What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Boys and girls, मुझे पता है कि आप स्वैगर शर्मा के वीडियो के लिए भी रुके हुए हो इसके अलावा, but the thing is कि अभी हम लोग के लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही है और हम लोग को एक्चुअली वो पूरा एक घंटा रिकॉर्ड करने का वीडियो टाइम नहीं मिल रहा है. थोड़ा वो डिले हो जाएगा, मे बी एक आध वीक से भी डिले हो जाएगा, बिकॉज समथिंग वेरी एक्साइटिंग इज हैपनिंग इन आवर लाइफ. बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे से गेस कर दिया है, पार्टली नॉट फुल्ली, पार्टली लोगों ने गेस किया जो स्टोरीज मैंने पोस्ट की थी उसके ऊपर से. एंड वॉट एवर इज हैपनिंग बहुत ही जल्द हमारे सेकेंड चैनल पे आ जाएगा. प्लीज बेयर विद अस हमारे साथ, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा उसके लिए. सो बट आएगा फॉर श्योर, आएगा फॉर श्योर 100%. ये अपनी जुबानी की ये कहानी. चलो एनीवेज, आज हम लोग करने वाले हैं आशीष चंचलानी का द वीडियो. आई एम एक्साइटेड फॉर इज मार्वल वर्सेस डीसी फैन. एंड एज यू कैन सी योर बॉय इज अ डीसी फैन. लाइक कैसा है ना कि मेरे को सुपर हीरोज मूवी पसंद है, इसके लिए मुझे मार्वल की मूवीज पसंद है. मुझे मैं एवेंजर्स का और इसका भी इतना ही बड़ा फैन हूँ जितना मैं सुपरमैन या फ्लैश का हूँ. बट देन थोड़ा मुझे ऐसा ना डार्क काइंड ऑफ मुझे पसंद है स्टोरी लाइन. सो दैट इज व्हाई आई एम अ फैन ऑफ डीसी. और मुझे ये पता है कि इसमें डीसी ट्रोल होने वाला है, बिकॉज आशीष इज अ डाई हार्ड मार्वल फैन. आई एम प्रीटी न्यूट्रल बिकॉज आई वॉच इट एज एनी सुपर हीरो मूवी, सो आई एम लाइक नॉट इवन हियर नॉट देयर. सो तो अगर आपने वीडियो देखा नहीं है सो गो एंड वॉच इट ऑन कुनाल्स चैनल फर्स्ट. ओ कुनाल छाबिया के चैनल पर जाके देखियो देखियो. माय वो दिल्ली के ट्रिप के मतलब मेरा वो थोड़ा बाहर आ रहा है दिल्ली में. We were there for like one day. हाँ, लेकिन थोड़ा दिल्ली वालों का है यार ऐसा, the aura is like that. One day वो जाके देखियो, description में link रखी है, okay? And let's start. See, we absolutely love and respect both Marvel and DC, so do not encourage and believe in such unhealthy and toxic debates. Absolutely right. I'm interested to see the comments. Wait. Woo! मैं तो बच गया. Video had started. नहीं, इसमें कुछ साउंड नहीं था. There was no sound. There was no sound, but I am safe. मैंने अभी सेटिंग कर दी है. You forgot. My God. Space. Reality. It's all a linear path where one wrong meeting can branch out into infinite realities. I am your guide to these vast realities. Only I can help you. Oh, what if you have actually seen it? Because I am. Kunal Chhabria. आज इस अल्टरनेट रियलिटी में हम आए हैं सुलह करने के लिए दो ऐसे संगठनों के बीच में जिनके बीच में सदियों से जंग चल रही है. और उसके लिए ना मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल फैन हूँ. मुझे सलमान भी पसंद है, मुझे शाहरुख भी पसंद है, मुझे मेसी भी पसंद है, रोनाल्डो भी पसंद है, और उसी तरह से मुझे मार्वल भी पसंद है और मुझे डीसी भी पसंद है. तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ है डीसी फैंस. सामने है मार्वल फैन. अबे यार ये मार्वल के फैंस क्या बोलूं. ओए यो फर्स्ट ऑफ ऑल्सो जादू कमिंग बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग एंड मिसिंग द लॉन्ग हेयर, बट टू बी ऑनेस्ट लुकिंग स्मार्ट इन दिस. बट हैप्पी टू सी हिम बैक इन द वीडियोस. बहुत टाइम से आपको मिस किया था जादू, सो वेरी हैप्पी फॉर दैट. मेरी बात सुन, इनके मुंह तू नहीं लगेगा, इनके मुंह से मैं लगूंगा. ये मार्वल के फैंस ना बच्चे होते हैं, बच्चे डिज्नी ओन करता है ना इनको, तो डिज्नी प्रिंसेस ज्यादा जिद्दी होते हैं, एकदम जिद्दी. और सुन मेरी बात, डीसीयू की बात नहीं निकालनी इनके सामने, अपन इनके हक्के बक्के छुड़ाएंगे सिर्फ डार्क नाइट की सीरीज से. एक एक करके मारेंगे ना तीनों, एकदम इनकी फट जाएगी, शांत हो जाएंगे एकदम. जस्टिस लीग की वाट लग गई थी, ओके. स्नाइडर कट सेव्ड इट. अगर आपने स्नाइडर कट नहीं देखा, गो एंड वॉच दैट, इट्स सो फिनोमिनल बॉस. अगर स्नाइडर कट ओरिजिनली लॉन्च होता ना, डीसी यू वुड बी सो डिफरेंट.
जाके ट्विटर पे हगो ना, इधर क्यों हग रहे हो जज साहब? ये क्या है, ये किसको लेके आए? अभी हैशटैग से लड़ेंगे? अबे साले सुपरमैन की एक चमार मारूंगा ना, साथ उसने नंगी गंजी पैदा होगी। बे शील्ड फेंक के मारूंगा ना, सपाट जाएगा सपाट। मेरी शील्ड है, मेरे पापा की शील्ड है, मेरी शील्ड है। सिविल वॉर चल रहा है, लफड़ा करने हैं हम लोग, एवेंजर्स है ना, साथ में रहना है हमको। व्हाटएवर इट टेक्स हमारे पास भी है। ब्रूस व्हाई डू वी फॉल? फिसलन होगी उधर। अपने औकात पे आ ले लो, हम भी अपने औकात पे आ गए ना। अच्छा सुन सुन, ऑनेस्टली जज साहब, हम लोग इधर का सुलह करने आए ना, तो उसके लिए मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट दे, गिफ्ट दे। ये लो भाई, ये हम मार्वल वालों की तरफ से तुम डीसी वालों को एक गिफ्ट। लो लो, हो गई सुलह जज साहब, ठीक है। खोलो खोलो, देखो देखो क्या है अंदर। ग्रीन लैंटर्न का लालटेन। टॉर्च है। टॉर्च क्यों? ये टॉर्च लेना और अपनी पिक्चरों में कंटेंट ढूंढना, इतना अंधेरा हो जाता है, दिखाई तो कुछ देता नहीं। डार्क स्टोरी, लाइक नॉट द एक्चुअल सीन्स टू बी डार्क। वो मेरे को भी पसंद नहीं है। एज मच एज आई लाइक डीसी, आई हेट द फैक्ट दैट द मूवीज आर सो डार्क, लाइक मजा नहीं आता उसमें। एब्सोल्युटली नो। स्टेप बाय स्टेप चलते प्लीज। तो डीसी वालों का ये आरोप है कि जो मार्वल के फैंस हैं वो बच्चे हैं, नासमझ हैं, जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा उड़ते हैं और जो फेम उनको मिले डिजर्व नहीं करते। हाँ जज साहब, मार्वल के फैंस बहुत उड़ते हैं। अबे हम क्या बैटमैन है जो नहीं उड़े? God damn! यार ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलो यार। तुम्हारे कोई आरोप है वो बताओ यार, ये क्या बोलते हो? देखो जज साहब, हमारा ना आरोप सिंपल है, ये जो डीसी के फैंस हैं ये लोग बहुत इनसिक्योर है। इनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम होती है ना, ये सब मार्वल के फैंस पे डाल देते हैं। इनके घर पे तकलीफ हो रही है, मार्वल के फैंस की वजह से हो रहा है। इनके घर पे लाइट नहीं आ रही है, मार्वल के फैंस की वजह से हो रहा है। तो चलो पिक्चरों में भी लाइट आती नहीं है। लेकिन मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इन लोगों से ना क्रिटिसिज्म झेला ही नहीं जाता है, ठीक है। ये हमारे कैरेक्टर की बेइज्जती करे तुम चुपचाप सुन के लेते, लेकिन हम इनके कैरेक्टर की बेइज्जती करते ना तो इनकी गांड से खून निकलना चालू हो जाता है। ये जो दोगलापन है ना जज साहब, ये हम सहन नहीं करने वाले। आई एम सॉरी जज साहब, हमको सिर्फ यही तकलीफ है कि मार्वल के फैंस चूतिया होते हैं। सॉरी सॉरी जज साहब, मार्वल के फैंस और मार्वल की मूवी भी चूतिया होती है। सारी की सारी मार्वल की मूवी सेम होती है। आयरन मैन घमंडी इंसान, कुछ हो जाता है हीरो बन जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज घमंडी डॉक्टर, कुछ हो जाता है हीरो बन जाता है। कैप्टन मार्वल पहले कुछ हो जाता है फिर घमंडी बन जाती है। वाह 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 वाह, क्या प्लॉट ट्विस्ट है। मार्वल तुम्हारा क्या करता है ना, खाता है खून निकालता है, फिर वो खून लेता है उसको रिसाइकल करता है, फिर तुमको खिलाता है, फिर तुम खून निकालते हो, तीसरा वो खून निकालता है। डिफरेंट खून है यार, पहले येलो था अभी ब्राउन है, आगे ऑरेंज होगा क्या? मैं तुमको लिस्ट निकाल, लिस्ट निकाल। देखे डीसी की मूवीज ने क्या बनाया। डीसी की पिक्चरें देखते हैं 1990 से, बैटमैन, फिर बैटमैन रिटर्न्स, बैटमैन फॉरएवर, बैटमैन एंड रॉबिन, बैटमैन बिगिंस, फिर नाम चेंज कर दिया पब्लिक तो चूतिया पता ही नहीं चलेगा, द डार्क नाइट, द डार्क नाइट राइजेस, फिर आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, अभी आगे कौन सी पिक्चर आने वाली है? द बैटमैन। वाओ वाओ अगेन। देखा मार्वल के बच्चे उतर आए अपनी औकात पे। डीसी के पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलान। हां मूवीज देखिए उसकी, समझ पाएगा क्या तू औकात है क्या तेरी? हां कंटेंट बोलते हैं उसको, डार्क नाइट को कंटेंट बोलते हैं, और इनका कंटेंट क्या है? गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। हां रनन सबको मारने वाला है, वापस स्टार लॉर्ड छमियागिरी कर रहा है उसको। मुझे लगा रहा है उसका नाच रहा है, ऐसे बचाएगा दुनिया को? हां तुम सुनो दोनों भोसड़ी वालों, अभी ना बहुत हो गया, अभी ना मेरे को तुम लोग से एक बात करनी है। मेरे को एक कॉन्वर्सेशन करनी है जो मार्वल और डीसी से रिलेटेड भी नहीं है, और ये कॉन्वर्सेशन आगे की कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। अभी सुनो, तुम दोनों ऑक्टाएफएक्स डाउनलोड करो। क्यों? क्योंकि ऑक्टाएफएक्स बहुत अच्छा ट्रेडिंग ऐप है। तो ऑक्टाएफएक्स पे एजुकेशनल कोर्सेज बहुत से, क्या मर्च है स्टोरी के अंदर, मार्केट के इनसाइट देते हैं, और तो और जीरो रिस्क ट्रेडिंग सीखने के लिए ये लोग एक डेमो भी दे रहे हैं। हां तो और तेरे को मालूम है ऑक्टाएफएक्स को रिसेंटली बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर ऑफ इंडिया 2020, व्हाट इज दिस वॉइस ओवर, और ये लोग दिल्ली कैपिटल्स के ऑफिशियल ट्रेडिंग पार्टनर भी है। दिल्ली कैपिटल्स डीसी, द बेटर डीसी। अरे तो मैं क्या कह रहा हूं कि तुम लोग ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर लो, उस पे क्या है तुम लोगों को 5000 USD का डिपॉजिट डेमो अकाउंट भी मिलेगा, और मेरा प्रोमो कोड MCU डबल यूज करके तुम वो डिपॉजिट को डबल भी कर सकते हो।
यारी तो बहुत मस्त है, लेकिन एक बात बता, ये सब तो हमको क्यों बता रहा है? मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डीसी की मूवीज तो पैसा कमा नहीं रही है, कम से कम डीसी के फैंस तो पैसा कमाए। मैसेज और तो और वर्ल्ड की सबसे पहली बिलियन डॉलर ग्रॉसिंग सुपर हीरो मूवी कौन सी थी? डीसी की थी, द डार्क नाइट। झगड़ा सॉल्व करता हूँ, तुम लोग इतना झगड़ा मत करो, अपनी माँ का नाम पूछ लो, मार्था होगा तो झगड़ा सॉल्व हो जाएगा ना। Why you take the name Martha? अदा चूस मेरा अंगूठा चूस, पैर का अंगूठा चूस। एक सच्ची बात, चेंज द गेम। जॉस वीडन मार्वल का अंडरकवर एजेंट था, डाकू साला हमारी बस्ती में आके पूरी बस्ती चला दी, 2017 में टट्टी करके चला गया। ये तो भला हमारे भगवान हमारे देव मानो जैक स्नाइडर का, जिन्होंने हमको स्नाइडर कट दी, स्नाइडर कट का मास्टरपीस। आई स्वेयर टू गॉड, क्यों बुलाते हो स्नाइडर अनकट? बोलो ना, काटा तो था नहीं, कुछ 4 घंटे की पिक्चर रिलीज कर दी। और मेरे को एक बात बताओ जज साहब, इनकी ना टीम अप मूवी पहले आती है, ओरिजिन मूवी बाद में आती है। मैं जस्टिस लीग देखते गया था ना, एक दादी बैठी थी, बोल रही थी लाल में जो भाग रहे भड़वा है कौन है मेरे को बताओ। तो हमारी गलती है क्या? डीसी कॉमिक्स में सब कुछ दिया हुआ है, जाके डीसी कॉमिक्स पढ़ो ना। अरे कॉमिक्स भूल ही गया, मार्वल की कॉमिक्स बिकती क्या? डीसी की कॉमिक्स से ज्यादा क्रॉसिंग होती है। इससे अच्छा तो तुम लोग आधे आधे घंटे की वेब सीरीज बना देते थे, कैरेक्टर को थोड़ा बिल्डअप मिलता। हाँ, और अगर तुमको वेब सीरीज का खरीदार चाहिए, हमारे पास खरीदार है डिज्नी प्लस, इन गरीबों से खरीद लेंगे। डिज्नी से याद आया, इनके प्रोड्यूसर्स के पास जैसा पैसे ही नहीं अपने एक्टर्स को देने के लिए। स्कारलेट जोहानसन जिसने ब्लैक विडो का रोल किया है, उसने डिज्नी के ऊपर केस किया है कि उसके प्रोड्यूसर्स उसको पैसे नहीं दिए उसके। जैसा केस चल रहा था डिज्नी पे लॉसूट फाइल हुआ था, लेकिन अभी उनका लॉसूट सेटल हो चुका है, दे आर ऑन गुड टर्म्स, उनका कोई लफड़ा नहीं है भाई। जैसा ये झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है अब तक केस चालू है और लफड़ा कर रहे हैं, मेरे को पता है ये सारी झूठ बोलते हैं। अरे तेरे को कैसे पता स्कारलेट जोहानसन का उल्लासनगर के चोपड़ा कोर्ट में आई थी क्या? एग्जैक्टली उल्लासनगर के चोपड़ा कोर्ट में आती थी 90 में हाजिरी देने के लिए। कुछ भी बोल रहे हो जैसा, आप इनकी बातें सुन रहे हो, आप सुन रहे हो बात। कॉमिक बुक में हम आगे, गेमिंग में हम आगे, मर्चेंडाइजिंग में हम आगे, लेगेसी में हम आगे, और एनिमेशन में तो हम लोग ने तुम्हारी गांठ मार के रखी है। और टीवी शोज तो अरे ओ सस्ते नागिन के शोज की बात नहीं चल रही है, टीवी शो हमारे टीवी शो देखे क्या? एकदम क्वालिटी अपग्रेड, वंडा विजन, लोकी, व्हाट इफ, अरे ची ची व्हाट इफ साला, कलर देखे उसमें ऐसे लगता है 2 साल के बच्चे ने पूरे कलर उंधेल दिए उसके अंदर। अरे गवार डीसी फैन, उसको लाइट हार्टेडनेस कहते हैं। लाइट हार्टेडनेस मालूम है तुमको क्या होता है? तुम्हारी पिक्चरों में तो होता नहीं है, तुम्हारे पिक्चर देखे तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे बाप को आज तक लगता है कि वो अंधा है क्योंकि वो डीसी की पिक्चरें देखता है। बात करते तो सीजीआई की बात क्यों नहीं करते? ब्लैक पैंथर का सीजीआई ऐसे लग रहा पीएसयू की कोई गेम खेल रहा हूं मैं। एक मिनट, सीजीआई की बात तुम डीसी के फैंस ना ही यूज करो तो अच्छा है। जैसा आपको एक बात बताओ, 2017 में एक पिक्चर आई थी जॉस वीडन की, जस्टिस लीग, उसमें सुपरमैन की मूंछ छुपाने के लिए इन्होंने $25 million सीजीआई में खर्च किया, ऐसा लग रहा था। ब्रो दैट इज समथिंग, वो इट वाज सो अननेसेसरी यार। अब वो आगे घूम रहा है, ऐसा लग रहा था एनी मोमेंट बैटमैन के मुंह पे तंबाकू थूकेगा और बैटमैन तंबाकू साफ करके बोलेगा व्हाई डू यू ब्लीड। कम से कम हमारे पास हमारे सारे कैरेक्टर्स के राइट्स तो है, तुम्हारी तरह पूरी दुनिया में बिक रहे हो नहीं हम लोग। हां सोनी तो भीख मांग के आया ना स्पाइडरमैन अपना, कि सोनी तो पर ली हम तो बेसमेंट के स्पाइडरमैन दो ना, वरना बैटमैन आके हमारी गांठ फाड़ के चला जाएगा पापा प्लीज। स्पाइडरमैन की बात निकली है तो स्पाइडरमैन का नाम चेंज करके तुम लोग उसको आयरन मैन जूनियर क्यों नहीं बोलते हो? उसकी जिंदगी में जितने भी लफड़े हो रहे हैं सब आयरन मैन की वजह से हो रहे हैं। पहली पिक्चर में कचरा साफ नहीं किया, एक विलन निकला, दूसरी पिक्चर में पीआर में कुछ इशू होगा, दूसरा विलन निकला, तो तीसरे का क्या होगा? तीसरे टिप नहीं दिया होगा टोनी पप्पा ने, तो तीसरा विलन निकल आएगा। साला वहां पे आधे सुपर हीरो पगार के बिना मर रहे हैं, वहां पे सबकी जान जा रही है, और यहाँ पे आंट मे को देख के तुम्हारे पास सुपरमैन कितने?
पांच है। और बैटमैन वो नया लौटा कौन है? रॉबर्ट पैटिंसन। उसको भी आठ नौ। अबे मल्टीवर्स हमारा खुला है, वेरिएंट तुम्हारे क्यों खुले? अबे मल्टीवर्स की बात मत कर, हमारे नए फ्लैश में सारे के सारे बैटमैन आ रहे हैं। अबे वो हमसे कॉपी किया है क्योंकि दिसंबर में तुम्हारी गांड फाड़ में आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो तुम लोग ने कॉपी किया है, जिसका कॉन्सेप्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट उठा के ये लोग फ्लैश में तीनों बैटमैन डाल रहे हैं। तुम्हारा बाप आ रहा है, तुम्हारा बाप टोबी मैग्वायर वापस आ रहा है क्या? मार्वल फैन के हाथ में डीसी का टैटू। जोकर इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन दिस वर्ल्ड। इनफैक्ट जो हरदे हरदे लाइक कितनी अच्छी पिक्चर थी बॉन्डिंग। लेकिन यार टॉकिंग अबाउट यार अगर एक सच बात बोले तो वी मिस चैडविक बोसमैन यार। अरे ही विल ऑलवेज बी आवर किंग मैन। अगर हम बात निकाल ही रहे तो मुझे एक्वामैन का एक्शन बहुत पसंद है यार। लेकिन अगर हम भी एक बात बोले तो एंड गेम में सबसे बेस्ट सीन पता है कौन सा है? जब कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर उठा था यार। वर्ल्ड वर्ल्ड अभी भी आ रहे हैं। आई स्वेयर टू गॉड क्या मोमेंट है। वैसे मेरे पास कुछ डेटा है शेयर करना चाहूंगा तुमसे। जब स्टैनली जी गुजरे थे तब डीसी वालों ने कितना प्यारा ट्रिब्यूट दिया था याद है? और तुम्हारा केविन फाइगी वो डीसी मूवीज के सेट पे जाते, उनके प्रोड्यूसर के साथ लंच करते। इमेजिन मार्वल का प्रोड्यूसर और डीसी का प्रोड्यूसर साथ में लंच करते गाइस। और तुम्हारा बैटमैन बेन एफ्लेक वो कहता है कि केविन फाइगी इज वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोड्यूसर। अबे मार्वल और डीसी में आपस में भाईचारा है और तुम कुत्तों की तरह लड़ रहे हो यहाँ पे, क्या तकलीफ क्या? अपनी मूवी देखो, एंजॉय करो, सामने वाले को गाली देके मतलब क्या है? True. हर मूवी का एक फ्लेवर होता है, चाहे वो डार्क या सीरियस हो या वो लाइट हार्टेड या कॉमेडी हो, एंड कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। जोकर ने कहा था एग्जैक्टली, इसलिए तो डीसी के दोनों जोकर से ऑस्कर जीते हैं। मतलब तू कहना क्या चाहता है? हम लोग ने ऑस्कर नहीं जीते, ब्लैक पैंथर मूवी को तीन ऑस्कर मिले थे। क्यों जीते थे? एंड इट गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन। खरीदने की बात तो तुम लोग करो मत, गरीब हो तुम लोग, तुम्हारी पिक्चरें तो बन नहीं रही है। ब्रूस वेन ऐसे छोटों में पूरा मार्वल खरीद लेगा, चल चल। हमारा आयरन मैन तुम्हारे ब्रूस वेन को खरीद लेगा, समझा? अबे आयरन मैन मर चुका है। आयरन मैन में जा रहा है, आयरन मैन में जा रहा है, बात पे नहीं जा रहा। दुनिया के सारे लफड़े सॉल्व हो जाएंगे, बट ये मार्वल और डीसी का लफड़ा कभी सॉल्व नहीं होगा। बाढ़ में जाए मार्वल, बाढ़ में जाए डीसी, मैं जा रहा हूँ तारक मेहता देखने। ये हुई लफड़ा। माय गॉड, यू नो व्हाट, एक मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आई वॉज लाइक दिस, सो ऑब्वियसली हर ग्रुप में रहता ही है कुछ मार्वल फैंस एंड कुछ डीसी फैन, हम लोग के ग्रुप में भी वैसा ही था। एंड ऑल्दो वी से कि इट विल लाइक नेवर एंड, मैटर ऑफ फैक्ट इट डज एंड, एंड इट ओनली एंड्स व्हेन यू लाइक ग्रो अप। और मेरा भी सेम ही हुआ, लाइक एज आई ग्रू अप मेरे को यू नो आई वॉज इंटरेस्टेड इन मूवीज रेदर देन कंपनीज, सो इसकी वजह से। एंड मेरे भी सब ये लिटरली ये सब आर्ग्यूमेंट मेरे रहते थे, बट वो टाइम में कुछ अलग रहता था बिकॉज इट्स लाइक कौन सा सुपर हीरो हैज यू नो मोर पावर और वॉट एवर, हु इज द बेस्ट विलेन, बट वो सब जाने दो। द थिंग इज कि आई नाउ अप्रिशिएट द मूवीज। ऑल्दो आई हैव फ्लैश, आई डू हैव कैप्टन अमेरिका का भी टी शर्ट है मेरे पास, एंड आई थिंक वी वॉच ऑल द मूवीज विद इक्वल एक्साइटमेंट, व्हेदर इट्स डीसी और मार्वल। लाइक एवेंजर्स का भी जब आया था आई वाज सुपर एक्साइटेड, जस्टिस लीग आया था तभी आई वाज सुपर एक्साइटेड, जो बहुत ही जल्दी मर गई एक्साइटमेंट। फिर स्नाइडर कट के लिए अपुन ने भी पेटिशन फाइल किया था, और जब स्नाइडर कट आया आई वाज लाइक बॉस दिस मूवी, ओ माय गॉड। आई एम प्रीटी न्यूट्रल अबाउट, अक्षय का वैसा कुछ है अबाउट व्हिच इज बेटर और नो, आई एम जस्ट हियर फॉर एंटरटेनमेंट। नहीं मेरा भी अभी वैसा ही है, बट द थिंग इज क्या है ना कि आई लाइक डीसी बिकॉज लाइक व्हाइल ग्रोइंग अप आई वॉच सुपरमैन, आई वॉच बैटमैन, तो वो एक मेरा यू नो लाइक माई चाइल्ड हुड मेमोरीज यू कैन से, वो उससे अटैच्ड है। इसके लिए मेरे को यार फ्लैश मेरे को पसंद है। आई थिंक अ गुड वीडियो, एंड एंड में जो पॉइंट्स गए वो भी वेरी नाइस पॉइंट्स, एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो नाउ आई एम एट दिस मोमेंट जहाँ पे आई एम लाइक फाइन विद बोथ द मूवीज बिकॉज यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन तारक मेहता बॉस। ओ या तारक मेहता, इफ आई वेयर द कैप्टन अमेरिका वाला शर्ट लाइक ओ आई लुक लाइक सो शुड आई? I should.
I should wait one second. Your boy is like legit. Oh my god, look at this. Jeez. Yaar ye mere ko itna pasand hai na. I just love this. Kya dikh raha hu yaar? God damn. इसीलिए दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे को कैप्टन अमेरिका भी पसंद है, मेरे को सुपरमैन भी पसंद है, मुझे हल्क भी पसंद है. आई डू लव सुपर हीरो मूवीज, दैट इज द पॉइंट. और जैसा कुणाल ने कहा, सबका टारगेट ऑडियंस इज डिफरेंट. ऑब्वियसली दिस इज मच डार्कर, सो थोड़ा एल्डर ऑडियंस के लिए है वो. एंड मार्वल आप देखोगे ना, जोक्स वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं, विच आई लाइक, बट दैट अट्रैक्ट्स यंगर क्राउड. सो सबका अपना अपना, इट्स फाइन, बट आई एम लुकिंग, जीज, लेट्स गो. So ladies and gents, boys and girls, thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.